Hi, I'm Asalika, and I'm from Motoka, and I love Today FM. Today FM rocks. Today's hit music on Today FM. नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूँ कृतिका कुमार। कोविड-19 रिस्पॉन्स बजट को आज संसद में पास किया गया। ये $1 बिलियन सप्लीमेंट्री बजट है जिसके जरिए लोगों की मदद की जाएगी। इकोनॉमी मिनिस्टर या सैद खियूम ने कहा है कि जिन लोगों पर क्राइसिस का असर पड़ा है उन्हें मदद की जाएगी। देश जबकि कोविड-19 पेंडेमिक का सामना कर रहा है, ऐसे में सरकार ने रिलीफ पैकेजेस की घोषणा की है और $40 मिलियन हेल्थ सेक्टर को दिया गया। बिजनेसेस पर जबकि कोविड-19 का असर पड़ रहा है, ऐसे में जितने भी लोगों ने अपनी नौकरी को गंवा दिया है या फिर उनके आवर्स को कम किया गया है, वे अपने FNPF अकाउंट से $1,000 एक्सेस कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि देश ऐसे स्थिति का सामना कर रही है जहां कोविड-19 की वजह से अराउंड 25,000 फिजियंस ने अपनी नौकरी को गंवा दिया है। प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बैनिमारामा का कहना है कि ऑपोजिशन लीडर सिथिवेली रंबुका को 2000 में मिलिट्री कैंप में कू करने के लिए जेल में होना चाहिए। बैनिमारामा का कहना है कि रंबुका को सरकार पर, खासकर प्राइम मिनिस्टर पर हमला करने से पहले सोचना चाहिए। उनका कहना है कि रंबुका और ऑपोजिशन MPs को बकवास नहीं करनी चाहिए। फिलहाल बैनिमारामा का कहना है कि वे ऑपोजिशन मेंबर्स को कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं, जबकि इस समय फिजियंस को मदद की जरूरत है। सोमवार से देश भर में कर्फ्यू लागू किया जाएगा जो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बैनिमारामा ने संसद में कहा कि ये कदम इसीलिए उठाया जा रहा है क्योंकि फिजियन सरकार द्वारा दी जा रही सलाह को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बैनिमारामा का कहना है कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोग बहुत ज्यादा फिजिकल सोशलाइजिंग करते हैं और बेवजह सफर करते हैं। और खेलकूद के खबरों में, फिजी नेशनल मेन्स सेवन्स हेड कोच गैरेथ बेबा पे कट के लिए तैयार है अगर इसकी जरूरत पड़ी। नेशनल सेवन्स हेड कोच को पता है कि कोरोना वायरस के कारण स्पोर्टिंग दुनिया पर किस तरह से असर पड़ रहा है तथा वो फिजी रग्बी यूनियन के फैसले से सहमत रहेंगे। बेबा के कॉन्ट्रैक्ट को इस साल समाप्त होना था, हालांकि वे रुकने के लिए तैयार है, जबकि 2020 ओलंपिक गेम्स को अगले साल तक के लिए टाला गया है। टोक्यो ओलंपिक गेम्स को जबकि टाला गया है, तो ऐसे में फैसनॉक तथा इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी अपने अगले कदम पर विचार करेंगे और ओलंपिक्स के लिए फाइनल स्क्वाड की घोषणा करेंगे। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची FM भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। The television of our own radio Fiji 1, Nandomo Iviti.